हेलो गाइस, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग यूनिक, लाइक यू कैन एक्सट्रैक्ट ईमेल आईडीज़ फ्रॉम एनी फाइल्स लाइक पीडीएफ और एमएस वर्ड फाइल और समथिंग लाइक एनी फाइल फ्रॉम, इवन यू कैन एक्सट्रैक्ट द ईमेल फ्रॉम एनी वेबसाइट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रोम में। ओके, क्रोम में जाएंगे और हम, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी फाइल्स डाउनलोड करके रखी हुई, लाइक ये पीडीएफ फाइल है, ये वर्ड फाइल है, और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे दो सॉफ्ट ये वेबसाइट्स भी निकाल के रखे हुए हैं जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप, ज़रूरी नहीं कि आप ये जो मैंने जहाँ से निकाल रहा हूँ, आप और किसी भी कंट्री का आप निकाल सकते हो, किसी भी वेबसाइट से आप निकाल सकते हो, किसी भी पीडीएफ से आप निकाल सकते हो, वर्ड फाइल से निकाल सकते हो, किसी भी कहीं भी जगह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओनली ईमेल आईडीज। और बहुत ही सिंपल है, इसके लिए ना आपको कोई ऐप, ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम काफ़ी सारे, हमें एक्सटेंशन मिल जाते हैं क्रोम में, बट सारे एक्सटेंशन अच्छे नहीं होते, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा एक्सटेंशन अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो एक्सटेंशन भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च मक करेंगे ईमेल एक्सट्रैक्टर 1.4 लाइट। ओके, 1.4 लाइट, एंड हियर इज़ द रिजल्ट्स। जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे, एंड गाइज यू कैन सी हियर इज़ द बॉक्स। तो मैं आपको शो करता हूँ, लाइक मैंने अभी, मेरे पास ये पीडीएफ है, हियर इज़ द पीडीएफ, आई एम गोना ओपन इट, इट्स टेकिंग टाइम। ओके गाइज, सी पीडीएफ इज़ ओपन एंड देयर इज़ अ, लाइक सिर्फ इसमें ईमेल आईडीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ से ईमेल एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम वन बाय वन ईमेल निकालेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपको घंटों लग जाएंगे, और कहीं 2000 3000 ईमेल्स निकालने होंगे तो आपको पूरा दिन जाए चल लग जाएगा निकालने में। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बहुत ही सिंपल है। शायद मेरा फ़ोन, शायद सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। ये रहा पीडीएफ, ओके पीडीएफ, एंड नाउ जस्ट सिंपल आपको करना क्या है, आपको यहाँ क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, पूरी फाइल ड्रैग कर देना है। आपको जितनी भी बड़ी फाइल हो वो तुरंत एक्सट्रैक्ट कर देगा, जितने भी उसमें ईमेल आईडीज हो सारे एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये जो तरीका है, इससे सिर्फ आप ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बाकी नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम जाएंगे क्रोम के ब्राउज़ में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स हमें दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, पेस्ट के बाद हमें क्या करना है, हमें लेके चलना है, हमें इसको क्या करना है, न्यू लाइन, यहाँ पे सेपरेटर में न्यू लाइन करना है और एक्सट्रैक्ट कर देना है। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे इसने क्या किया कि सारे के सारे ईमेल्स को सिर्फ इसने ले लिया, बाकी जितनी भी फालतू की चीज़ें थी जो हमें नहीं चाहिए वो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे। और लाइक हमने अगर कोई भी फाइल बनाई हुई है, कोई भी फाइल बनाई हुई है, लाइक मान लीजिए मैं फाइल बनाता हूँ, एक एक्सेल की फाइल बनाता हूँ, डालता हूँ ईमेल आईडीज, ये फाइल मैंने बनाया, ओपन किया, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओपन ओपन होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका एक, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ईमेल्स। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं।
सो गाइस, मैंने आपको दिखाया था कि इसको एक्सेल में पेस्ट कर देना है और हमने यहाँ पे इसको ईमेल नाम दे दिया। ओके, अब इसको आप कलरिंग वलरिंग जो भी करना है आप कर सकते हो एंड सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किसी वेबसाइट से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम मैंने दो वेबसाइट ले लिया है, एक ये वेबसाइट है, यहाँ से तो ईमेल कोई भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम, बहुत आसान है, कोई भी उठाया और पेस्ट कर सकता है ये ईमेल आईडी। तो मैं इसको आपको शो नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक फ़ाइल मुझे मिली है, पीडीएफ फाइल ये भी है, तो अभी इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक और एक सिंपल से एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो जितने भी हैं लाइक इसमें भी काफ़ी सारे ईमेल्स हैं, इसमें फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ईमेल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को नहीं। ओके गाइस, तो ये रहा, और मैं इसको कॉपी करूँगा और ईमेल एक्सट्रैक्टर में इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये हमारा सेपरेटर में न्यू लाइन आपको सेलेक्ट करना है एंड एक्सट्रैक्ट कर देना है। स्ट्रैक करने के बाद कंट्रोल ए एंड कॉपी, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी एक्सेल फाइल में या फिर आपको जहां रखना है उसी एक्सेल फाइल में पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अभी आपको दिखाता हूं मैं, मेरे पास एक और फाइल है जहां से हम, मेरे पास एक वर्ड फाइल है लाइक हियर इज, ये वर्ड फाइल में भी सिंपल ही है, तो ये भी दिखा के मतलब नहीं, ये आप भी कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको ये पीडीएफ, इसमें आई थिंक टेलीफोन नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट, इसमें सारी चीज़ें, इसमें फ़ोन नंबर, ऑफिस का फैक्स नंबर, सारी चीज़ें हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको कि हम देखिए यहाँ पे साइड में ईमेल्स आपको दिख रहे हैं साइड में, तो मैं इतना ही कॉपी करता हूँ सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए। ठीक है, हम कॉपी करेंगे और हम ईमेल एक्सट्रैक्टर में इसे कैंसिल करेंगे, ईमेल एक्सट्रैक्टर में हम इसे पेस्ट करेंगे, कॉपी नहीं हुआ है। तो ये हम कॉपी करते हैं एंड ईमेल एक्सट्रैक्टर में पेस्ट करते हैं और न्यू लाइन करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा सारा ईमेल आईडीज आ जाएंगे और कंट्रोल ए कॉपी एंड हम फिर क्या करेंगे इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे। तो ये रहा गाइज, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा ये तरीका है ईमेल एक्सट्रैक्टर लाइट 1.4। इसकी मदद से आप ईमेल आराम से निकाल सकते हो, इवन एनीवन कैन डू, एक बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो अगर गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, मैंने काफ़ी ये मेहनत करके ये ढूंढा है कुछ एक्सट्रैक्टर, क्योंकि बहुत सारे लाइक एक्सटेंशन भी है लेकिन वो सारे एक्सटेंशन अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो था बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, ईमेल आप एक्सट्रैक्ट करके आप ईमेल मार्केटिंग के लिए इस ईमेल्स को यूज़ कर सकते हो, लाइक मार्केटिंग में ये डिजिटल मार्केटिंग वाले इसकी वैल्यू डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं इससे। अगर आपको किसी, आपने कोई कंपनी ओपन की है, नई मैन्युफैक्चरिंग की है, प्रोडक्शन की है या कोई भी प्रोडक्ट की है लाइक, तो वो उससे भी आप इनको एक अपना टेम्पलेट क्रिएट करके मेल उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी अपनी कंपनी के बारे में उनको बता सकते हैं कि सो एंड सो द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग एंड यू आर मैन्युफैक्चरिंग। तो आप ये सारी चीज़ें दिखा के आप एक मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं एक अपने कंपनी के लिए। तो ये काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। तो ईमेल आपको फ्री में मिल जाएंगे यहाँ से, ऐसे आप गूगल से आप ईमेल्स भी ढूंढ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग टाइम टॉपिक बनाऊंगा कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।